Hello everyone, our today's topic is three pillars of design. Basically in SCI, these three pillars are main which is used for guideline documentation process, user interface software tools, and expert reviews and usability testing. अगर आसान शब्दों में समझे तो ऐसे समझिए कि ये SCI में बेसिकली हम डिजाइनिंग की स्टडी करते हैं, डिजाइनिंग को समझते हैं, डिजाइन बनाते हैं। तो SCI में डिजाइनिंग करने के लिए हमें जिन तीन चीजों की जरूरत है, जिसपे बेसिकली SCI का डिजाइन टिका हुआ है, जिसको हम थ्री पिलर्स ऑफ डिजाइन कहते हैं, थ्री पिलर्स ऑफ SCI डिजाइन कहते हैं। बेसिकली इन तीन पिलर्स में तीन चीजें हैं। पहली है हमारी गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेस, सेकंड वन यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर टूल्स, एंड थर्ड वन एक्सपर्ट रिव्यू एंड यूजबिलिटी टेस्टिंग। बेसिकली इन तीनों पिलर्स का मतलब सिर्फ ये है कि अपनी डिजाइन को स्टार्ट करने से पहले आप क्या करने जा रहे हैं और उसको कैसे करेंगे, इसकी प्लानिंग कर लीजिए। ये आपका एक पिलर हो गया। जो करने जा रहे हैं उसका एक प्रोटोटाइप होना चाहिए, तो उस प्रोटोटाइप के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, कैसे उस सॉफ्टवेयर पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये चीज समझ लीजिए। ये हमारा दूसरा पिलर हो गया। तीसरा पिलर है, जो आप करने जा रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, आप इसकी टेस्टिंग कर लीजिए, आप एक एक्सपर्ट रिव्यू ले लीजिए, आप एक यूजिबिलिटी टेस्टिंग कर लीजिए। मीन डिजाइनिंग करने से पहले क्या क्यों कैसे वाला जो हिसाब किताब होता है, हमें उस पर वर्क करना होता है। तो किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले, नॉर्मली अगर हम अपनी डेली लाइफ की ही बात करें, तो डेली लाइफ में ही हम कोई भी अगर नया काम स्टार्ट करते हैं, सपोज करिए मैं कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करता हूँ, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ उस बिजनेस के प्रॉस नहीं सोचता हूँ, सिर्फ फायदे नहीं सोचता हूँ, मुझे उस बिजनेस से होने वाले घाटों को भी सोचना होता है। ठीक है, उस बिजनेस से मुझे क्या नुकसान हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है, हमें हर काम को स्टार्ट करने से पहले उसका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, हमें क्या करना है, कैसे करना है, इस चीज को करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं, इन्हीं चीजों को हम SCI में डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं थ्री पिलर्स ऑफ डिजाइन। पिलर्स मीन्स स्तंभ। डिजाइनिंग के जो मुख्यतः तीन स्तंभ हैं, उन स्तंभों में जो पहला स्तंभ है, पहला जो पिलर है, वो है गाइडलाइंस डिजाइन एंड प्रोसेस। मीन्स आप जो भी डिजाइन करने जा रहे हैं, उस डिजाइनिंग की रिगार्डिंग एक गाइडलाइन बनाइए कि आपके विंडो में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, आइकन कैसा होना चाहिए, टेस्ट बॉक्स किस लोकेशन पर रखा जाएगा। मीन्स जो भी आप जो भी चीजें चाहते हैं अपने डिजाइनिंग में, उन चीजों की रिगार्डिंग उसके लिए गाइडलाइंस बनाइए, उसको उसका एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म प्रिपेयर करिए। दूसरी चीज, अपने उस गाइडलाइन को फुलफिल करने के लिए आप किस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, कैसे करेंगे, आप कैसे उस डिजाइन को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ओवरऑल जो पहला पिलर है, जो फर्स्ट पिलर है आउट ऑफ थ्री पिलर्स ऑफ डिजाइन, पहला है हमारा गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट एंड प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड वन है हमारा यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर टूल्स। बेसिकली आपने ये पहले पिलर में, डिजाइनिंग के फर्स्ट पिलर में आपने ये बता दिया कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, क्या करना है मीन्स आपकी जो भी स्क्रीन एलिमेंट्स हैं, स्क्रीन डिजाइन करते समय आपकी स्क्रीन पे क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, उन एलिमेंट्स की लोकेशंस क्या होगी, उन एलिमेंट्स का बेसिक यूज क्या है। दूसरी चीज, उस स्क्रीन को डिजाइन करने के लिए या उसे उन स्क्रीन एलिमेंट्स को अपने स्क्रीन पे किस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो बेसिक प्रोसेस है हमारा किसी भी डिजाइनिंग को स्टार्ट करने से पहले, वो होता है हमारा गाइडलाइन डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस। लेकिन ये जो गाइडलाइन डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस है, ये चीजें अभी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है, मीन्स आप क्या बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। लेकिन क्या बनाने जा रहे हैं और कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको एक टूल्स की जरूरत होगी, जिसके थ्रू आप एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, ताकि ये समझ में आएगा कि आप क्या बनाने वाले हैं और आपको आपने जो इंटरफेस बनाया है वो इंटरफेस किस तरह से काम कर रहा है, प्रोसेस
मींस गाइडलाइन हो गया, ठीक है, और प्रोसेस। तो गाइडलाइन और प्रोसेस को बिल्कुल यूजर को रिफ्लेक्ट कराने के लिए किस तरह से डिजाइन काम करेगा, उसके लिए हम सेकंड पिलर यूज करते हैं, वो है हमारे यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर टूल्स। बेसिकली टूल्स के थ्रू हम प्रोटोटाइप प्रिपेयर करते हैं, हम जो भी डिजाइन स्क्रीन डिजाइन करना चाहते हैं उस स्क्रीन डिजाइन के रिगार्डिंग एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, और वो प्रोटोटाइप हमें एक रियल इफेक्ट देता है कि हमारा इंटरफेस बनने के बाद कैसा दिखेगा और हम अपने उस इंटरफेस पे किसी सर्टेन एक्शन के लिए किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा जो प्लान, जो प्रोसेस, जो हमारा जो प्रोसेस है किसी भी एक्शन को कंप्लीट करने का, वो उस प्रोसेस का सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। तो जो पहला पिलर था हमारा गाइडलाइन डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस, इसमें हमने ये बताया कि हमें अपनी स्क्रीन में क्या क्या चीजें रखनी है, ठीक है, और उस स्क्रीन पे हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लेकिन इसी चीज को बिल्कुल रियल वर्ल्ड में फील कराने के लिए ये पहला वाले पिलर एक तरह से डॉक्यूमेंटेड फॉर्म है, लेकिन इसी पहले वाले पिलर को हम एक रियल वर्ल्ड अप्रोच में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। तो उस प्रोटोटाइप में हमें ये पता चल जाएगा कि जो गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स में चीजें लिखी हुई थी, क्या हमने उन चीजों को फॉलो किया। अगर स्क्रीन में, अगर गाइडलाइन डॉक्यूमेंट में बोल रखा है कि हमारी स्क्रीन पे ये ऑप्शन होने चाहिए, उनकी लोकेशन ये होगी, ठीक है, यानी अगर जो बटन हम यूज करते हैं नॉर्मली फॉर्म को सबमिट करने का, उस बटन का ऑप्शन स्क्रीन के लेफ्ट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में होना चाहिए या फिर बॉटम सेंटर लोकेशन पे होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें हमारे उस इंटरफेस में अगर एग्जिस्ट करेंगी तो कैसी दिखेंगी, कैसी नहीं दिखेंगी, तो उसको रियल वर्ल्ड अप्रोच में उतारने के लिए, एक रियल फील देने के लिए हम प्रोटोटाइप बनाते हैं, और उस प्रोटोटाइप को बनाने के लिए हम कुछ टूल्स यूज करते हैं, और उसी को हम बोलते हैं सेकंड पिलर ऑफ डिजाइन। तो बेसिकली जो थ्री पिलर्स ऑफ डिजाइन हैं, उसमें पहला पिलर हमारा गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेस, सेकंड पिलर होता है हमारा यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर टूल्स, थर्ड पिलर होता है हमारा एक्सपर्ट रिव्यू एंड यूजबिलिटी टेस्टिंग। मतलब आपने कोई इंटरफेस बनाने के लिए सोचा कि मुझे इस तरह का इंटरफेस चाहिए और उस इंटरफेस में ये फीचर्स होंगे, और किसी सर्टेन एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम फीचर वन, फीचर टू और फीचर थ्री को यूज करते हुए अपने सर्टेन एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। अभी आपने सिर्फ प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर किया कि मुझे ये करना है और उसके लिए मुझे ये करना होगा, लेकिन अभी उसका रियल फील आपको नहीं मिल पा रहा है। तो उस रियल फील को लेने के लिए आपने क्या किया, एक प्रोटोटाइप बनाया। तो जब प्रोटोटाइप बनाया, तो जैसे ही आप प्रोटोटाइप बनाएंगे, आपको कुछ खामियां नजर आने लगेंगी। नॉर्मली जैसे क्या होता है, हम जब सोचते हैं तो हमें लगता है सब सही है, लेकिन जब उस चीज को हम इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, ठीक है, या उसका एक मॉडल बनाने लगते हैं, तब हमें लगता है अरे यार इस तरह से तो नहीं फिजिबल है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने की चांसेस हैं। सेम ईयर आपने गाइडलाइन प्रिपेयर किया, प्रोसेस के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन किया, उसी को जब आपने प्रोटोटाइप के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो प्रोटोटाइप बनती ही आपको ये नजर आ जाएगा कि आपके प्रोटोटाइप में इन चेंजेस को परफॉर्म करने की जरूरत है। तो सेकेंड पिलर के बाद जो थर्ड पिलर हमारा, वो पिलर तभी अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा जब हम पिलर वन और पिलर टू को कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर चुके हों। यानी अगर हमने गाइडलाइन और प्रोसेस के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन भी कर लिया, प्रोटोटाइप भी बना लिया, अब प्रोटोटाइप को देख के हमें लगेगा अरे नहीं नहीं नहीं, इस वाले आइकन को स्क्रीन की इस लोकेशन पर रखिए, इस बटन को स्क्रीन की इस लोकेशन पर रखिए, जो टेक्स्ट आप अपने स्क्रीन पर यूज कर रहे हैं वो टेक्स्ट रीडेबल नहीं है, इसका फॉन्ट और साइज चेंज करिए, ठीक है, जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं इंग्लिश की, वो बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, जो नए यूजर होंगे वो इसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें कब क्लियरिफाई हुई, जब आपने उसका एक प्रोटोटाइप बनाया, यानी सेकंड पिलर पे जब आपने एक प्रोटोटाइप बनाया। तो थर्ड पिलर में क्या पता क्या करना होगा, अब हम एक्सपर्ट रिव्यू लेंगे, अब हम उस प्रोटोटाइप को किसी एक्सपर्ट के सामने रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी यूजिबिलिटी के रिगार्डिंग उसको रिप्रेजेंट करेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे क्या ये हमारा डिजाइन, जिसके लिए हमने एक गाइडलाइन और प्रोसेस की डॉक्यूमेंटेशन बनाया था, उसको हमने प्रोटोटाइप में कन्वर्ट किया, क्या ये प्रोटोटाइप को अगर हम कंप्लीटली इंप्लीमेंट कर दें तो क्या हमारा इंटरफेस यूजर के थ्रू एक्सेप्टेबल होगा, उसकी यूजिबिलिटी 100% होगी।
ये जो तीन पिलर्स हैं, ये तीन पिलर्स इस बात की एश्योरेंस देते हैं कि आफ्टर इंप्लीमेंटेशन इंटरफेस जब हमारा कंप्लीटली इंप्लीमेंट हो जाएगा तो उस इंटरफेस के सक्सेस की जो रेशियो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपने इंटरफेस पे क्या क्या चीजें चाहिए और उनका क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, वो सारी चीजें हमने डॉक्यूमेंट में प्रिपेयर कर दिया और उन्हीं चीजों को हमने एक मॉडल के फॉर्म में, प्रोटोटाइप के फॉर्म कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग टूल। अब जो प्रोटोटाइप हमने बनाया, उस प्रोटोटाइप के थ्रू हमें एक फील आता है कि हमारा इंटरफेस कैसा दिखेगा। तो अब उस प्रोटोटाइप को यूज करते हुए हम एक एक्सपर्ट रिव्यू की टीम के साथ उसकी यूजिबिलिटी टेस्टिंग करेंगे ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि हमें अपने डिजाइन में और क्या क्या मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है ताकि जो भी खामियां हमारी डिजाइन में है हम उसको मॉडिफाई करके उसको करेक्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स जब कभी भी एक नया घर बनाने का प्लान कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं कि उन्होंने सोच लिया कि मुझे घर बनवाना है और उन्होंने आज तुरंत गिट्टी बालू सीमेंट सरिया गिरवा के घर बनवाना चालू कर दिया। नहीं, सबसे पहला वो जो काम करते हैं गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेस, वो क्या करते हैं घर में आपकी मम्मी से पूछते हैं, आप लोगों से पूछते हैं, बताओ कितने कमरे बनाए जाए, कौन सा कमरा किस जगह रखा जाए, कमरे की साइज क्या होनी चाहिए, ठीक है, कितने वॉशरूम बनाए जाए, सीढ़ी घर में किस जगह लगानी चाहिए, ठीक है, पूजा का कमरा किस जगह होना चाहिए, ये सारी चीजें क्या आप एक गाइडलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे क्या करना है, क्या करना है, क्या मतलब क्या बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब उसके लिए आप एक प्रोसेस, एक प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर करेंगे। अगर हमने बता दिया कि आपकी स्क्रीन एलिमेंट में ये चीजें होनी चाहिए तो उन चीजों का मेन मोटो क्या है, पर्पस क्या है, उसको उसके लिए क्या क्या प्रोसेस आपको परफॉर्म करना होगा, तो ये सारी चीजें आपके पिलर वन में आ जाती हैं। वहीं जब आपके फादर जो घर का नक्शा, आपने घर का नक्शा डिजाइन करवाया था, जिस नक्शे में सारी की सारी चीजें अवेलेबल थी, जो नक्शा उन्होंने डिजाइन करवाया वो नक्शा क्या हो गया, हमारा प्रोटोटाइप हो गया। वो कैसे बना, यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर टूल्स। तो जब भी हम डिजाइनिंग की बात करते हैं तो कुछ टूल्स यूज करते हैं जिसके थ्रू हम अपने इंटरफेस के प्रोटोटाइप प्रिपेयर करते हैं। तो जो पहला वाला पिलर था उसमें क्या था, हमारे पेरेंट्स ने क्या किया, घर का नक्शा बनवाने के लिए पहले हमसे सलाह मशवरा करते हैं, सजेशंस लेते हैं, एक गाइडलाइन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, अभी पिक्चोरियल फॉर्म में नहीं आया है। ठीक है, एक प्रोटोटाइप फॉर्म में नहीं आया। जैसे ही वो इंजीनियर के पास जाएंगे और इंजीनियर को बोलेंगे हमारे बेटे का जो कमरा होगा इतना बड़ा होगा, मेरी बेटी का कमरा इतना बड़ा होगा, हम लोग का कमरा होगा इतना बड़ा होगा, ड्राइंग रूम इतना बड़ा होगा, इस लोकेशन पे होगा, पूजा वाला जो कमरा होगा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे होगा, उसकी साइज ये होगी। तो जैसे ही ये स्पेसिफिकेशन, जैसे ही आपके पेरेंट्स गाइडलाइंस एंड प्रोसेस बता देते हैं डिजाइनर को, तो डिजाइनर क्या करता है, प्रोटोटाइप तैयार करता है, एक नक्शा बनाता है, एक रफ नक्शा बनाता है, आपको दिखाता है, देखिए घर बनने के बाद आपका घर कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर आपके दिमाग में आता है, अरे घर में तो फोर व्हीलर खड़ी करने के लिए हमने जगह एडजस्ट ही नहीं किया। तो फिर आपने क्या करते हैं, जब नक्शा आपने देखा तो आपने एक्सपर्ट रिव्यू लिया, ठीक है, यूजबिलिटी टेस्टिंग किया कि वो नक्शा कितना फिजिबल है, ठीक है, कितना एक्सेप्टेबल है, क्या हमारी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। अगर लगता है नहीं फुलफिल कर सकता तब क्या करेंगे, कुछ मैनिपुलेशन करेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम एक प्लानिंग करते हैं जिसको हम फर्स्ट पिलर बोलते हैं। सेकेंड में हम क्या करते हैं, उस प्लानिंग को इनिशियल लेवल पे एग्जीक्यूट करते हैं प्रोटोटाइप बना करके, बिफोर इम्प्लीमेंटेशन हम क्या करते हैं उसके लिए प्रोटोटाइप बनाते हैं ताकि उसका एक शॉर्ट व्यू मिल सके कि वो इंटरफेस बनने के बाद कैसा होगा। अब थर्ड पिलर क्या होता है हमारा, कि जैसी वो प्रोटोटाइप बनेगा उस प्रोटोटाइप को देख करके हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हमें इसमें कुछ मैनिपुलेशन करने की जरूरत है या ये प्रोटोटाइप एक्सेप्टेबल होगा यूजर के थ्रू। तो मेनली कभी भी कोई भी इंटरफेस अगर हम SCI में डिजाइन करते हैं तो उस इंटरफेस के लिए ये तीन पिलर्स मेन पिलर्स माने जाते हैं और इन्हीं पिलर्स को ही फॉलो करते हुए हम किसी भी चीज की डिजाइनिंग करते हैं। डिजाइनिंग का मतलब ये समझिए कि आप SCI को यूज करते हुए डिजाइन बना रहे हैं, तो किसी भी चीज को बनाने के लिए मजबूती के लिए स्तंभ की जरूरत होती है। ठीक है, तो एक तरह से ये जो तीन पॉइंट्स है, गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट एंड प्रोसेस, यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर टूल्स, एक्सपर्ट रिव्यू एंड यूजिबिलिटी टेस्टिंग, ये तीनों की तीनों पॉइंट हमारे SCI में डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पिलर्स हैं जो हमारी डिजाइन को दृढ़ता देते हैं, मजबूती देते हैं, स्ट्रांगनेस देते हैं। कैसे देते हैं स्ट्रांगनेस, अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करते हुए चलेंगे तो
जो इंटरफेस बन के निकलेगा वो इंटरफेस 100% यूजर के द्वारा एक्सेप्टेबल होगा। तो अगर यूजर के द्वारा 100% एक्सेप्टेबल होगा इट मीन्स उसकी यूजबिलिटी सबसे ज्यादा है, तभी तो एक्सेप्टेबल है। तो अगर वो यूजर के थ्रू 100% एक्सेप्टेबल है मीन्स इन पॉइंट्स ने हमारे उस डिजाइन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया, ठीक है। वो हमारे वो डिजाइन इतना इफेक्टिव है, इतना अट्रैक्टिव है कि यूजर उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है। तो ये मेन तीन पिलर्स होते हैं। आई मीन बेसिकली तीन पिलर्स में क्या क्या है, गाइडलाइंस, डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट हमारा गाइडलाइंस, डॉक्यूमेंट एंड प्रोसेस। कह रहा है जनरेट अ सेट ऑफ गाइडलाइंस पॉसिबली अर्ली इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, दे मस्ट बी अवेलेबल इन रिटन फॉर्म एंड नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड अप्लाइड बाई ऑल प्रोजेक्ट मेंबर्स। गोल पर्पज ऑफ अ गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ सोशल प्रोसेस फॉर डेवलपर्स, रिकॉर्ड डिसीजन फॉर ऑल पार्टीज टू सी, प्रमोट कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस, फैसिलिटेट ऑटोमेशन ऑफ डिजाइन, शुड बी डिजाइन इन अ वे दैट सेपरेट मल्टीपल लेवल्स, रिजिड एक्सेप्ट फ्लेक्सिबल, ठीक है। शुड कंटेन अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग द फोर ई क्या है अभी मैं आगे बताऊंगा, आपको भी आएगा, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि आपको एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी होगी जिसमें आपका सारा पर्पज, सारा जो गोल है वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रिटेन हो, ठीक है, ताकि उस डॉक्यूमेंट को पढ़ करके डिजाइनर जो प्रोटोटाइप डिजाइन करेगा उसे ये समझ में आ जाए कि बेसिकली प्रोटोटाइप को प्रोटोटाइप में किन किन चीजों को रखना है जिसके थ्रू यूजर की रिक्वायरमेंट जो है हम अपने प्रोटोटाइप में रिफ्लेक्ट कर सकें। एज ऑलवेज द एक्सटेंड ऑफ गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एटसेट्रा। सम जनरल इश्यूज आर वर्क आइकन ग्राफिक्स टर्मिनोलॉजी एब्रिवेशन फॉन्ट्स कलर बटन एटसेट्रा, स्क्रीन लेआउट इश्यूज, मेनू सेलेक्शन, फॉर्म फीडबैक, मार्जिन, डेटा एंट्री एंड डेटा डिस्प्ले फॉन्ट्स एटसेट्रा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड डिस्प्ले, साउंड रिस्पॉन्स टाइम ऑफ टास्क, अल्टरनेटिव फॉर यूजर्स विद डिसेबिलिटीज, एक्शन सिक्वेंस, डीएम कमांड सिंटैक्स, सिमेंटिक शॉर्टकट, एरर हैंडल प्रोसेस and training, online help tool, etc. In short, यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि अपने प्रोजेक्ट को या अपने डिजाइनिंग को स्टार्ट करने से पहले अपने गोल को अचीव करने के लिए आपने जो भी गाइडलाइंस का एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म प्रिपेयर किया, उस डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कुछ जनरल इश्यूज फेस करनी पड़ती हैं रिगार्डिंग वर्ड आइकन ग्राफिक्स, स्क्रीन लेआउट इशूज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, ठीक है। तो ये इन सारी चीजों को हमें अपने इस डॉक्यूमेंटेशन में बहुत क्लियरली मेंशन करना होता है। जैसे कि हमें सिर्फ ये नहीं लिखना है कि हमें इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, ठीक है, अपने इंटरफेस को यूज करने के लिए आपको क्लियरली मेंशन करना होगा किस टाइप की इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए। जैसे कि कोई पर्सन है जो ब्लाइंड है, ठीक है, जो देख नहीं सकता है, अगर वो आपको उस इंटरफेस से इंटरेक्ट करना चाहता है तो आपको कुछ ऐसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज लगानी होंगी जो जिसके थ्रू वो आपके सिस्टम से इंटरेक्ट कर सके। जैसे कि वो देख नहीं सकता है तो क्या, वो सुन तो सकता है, तो आप जो भी स्क्रीन पे चीजें लिख के दिख रही हैं उस चीजों को स्पेल करने के लिए यानी ऑडियो के फॉर्म में सिस्टम से कुछ ऑडियो निकले जो ताकि जो चीजें स्क्रीन पे लिखी हैं वो चीजें ऑडियो के फॉर्म में वो ब्लाइंड पर्सन सुन सके, और सुनने के बाद कुछ ऐसा उसके पास इनपुट डिवाइस हो जिसपे वो कीज को फील करके अपना सर्टेन इनपुट मशीन को दे सके। कहने का मतलब ये है कि जो गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेस का जो हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें सारी की सारी चीजें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि चीजें क्लियरली मेंशन नहीं होंगी तो हमारा प्रोटोटाइप गलत बनेगा, और प्रोटोटाइप गलत बनेगा तो डेफिनेटली हमारा इंटरफेस एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसी में कह रहा है व्हेन प्रिपेयरिंग वर्किंग विद गाइडलाइंस ऑलवेज कंसीडर 4E, यानी जब आप गाइडलाइंस को प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस समय आपको 4E कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होता है। तो ये 4E क्या है, 4E इज देयर इज एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, एग्जम्पशन एंड एनहांसमेंट। एजुकेशन मींस प्रोवाइड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी, गिव चेंजेस,
टू डिस्कस गाइडलाइंस, ठीक है। बेसिकली जो जो इंटरफेस आप डिजाइन करने जा रहे हैं और जिस इंटरफेस के रिगार्डिंग प्रोटोटाइप आपने बनाया है, तो उस प्रोटोटाइप पे डिस्कशन करने से पहले उस प्रोटोटाइप को समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्रोवाइड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, गिव चांसेस टू डिस्कस गाइडलाइंस, यानी आपको क्या करना है, ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी देनी है, यानी जो जो भी मैन पावर उसमें इन्वॉल्व हो वो वेल एजुकेटेड मैन पावर होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, ठीक है, ताकि ताकि वो जो भी प्रोटोटाइप बनाए वो प्रोटोटाइप आपके गाइडलाइंस को मीट करें, ठीक है। इन्फोर्समेंट, स्टेबलाइज प्रोसीजर डेट फैसिलिटेट गाइडलाइंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युनिकेशन अमंग स्टेक होल्डर, स्टेबलाइज प्रोसीजर डेट इन्फोर्स डेट इंश्योर इन्फोर्समेंट। जो गाइडलाइंस आप बना रहे हैं बेसिकली उसी गाइडलाइंस को हम आगे भी फॉलो करते रहेंगे, किस लिए, ताकि जो यूजर की रिक्वायरमेंट है वो कम्युनिकेट हो सके डिजाइनर तक, जो यूजर की रिक्वायरमेंट है वो कम्युनिकेट हो सके प्रोटोटाइप डिजाइनर तक, जो यूजर की रिक्वायरमेंट है वो कम्युनिकेट हो सके डेवलपर तक। तो कहीं ना कहीं वो जो डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जिस डॉक्यूमेंट में सारी की सारी एक तरह से कहें कि हमने प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर कर रखा है, उस प्लान ऑफ एक्शन को हम कम्युनिकेट कर सके किस तक, स्टेक होल्डर तक, डिजाइनर तक, डिस्ट्रीब्यूटर्स तक, ठीक है, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी एक्शन परफॉर्म करना है उस एक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म करे, ताकि हमारा जो इंटरफेस है प्रॉपरली डिजाइन हो सके, और अगर हमारे इंटरफेस की लॉन्चिंग के टाइम मार्केटिंग करनी है तो हमारे इंटरफेस को प्रॉपरली वो कस्टमर तक पहुंच, उसके फीचर्स को कस्टमर तक पहुंचा सके। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, वो कम्युनिकेशन तभी स्टेबलाइज हो पाता है जब हम गाइडलाइंस की डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर प्रिपेयर करते रहते हैं। एग्जम्पशन, अलाउ फॉर एग्जम्पशन, इंस्टॉल अ प्रोसेस दैट अलाउ फॉर रैपिड एडॉप्शन इफ नेसेसरी। आप जानते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं कोई जरूरी नहीं कि वो काम एक बार में कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो रैपिड एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन के टाइम में कभी कभी हमें पता चलता है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो रैपिड एग्जीक्यूशन, रैपिड एडॉप्शन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फोर्थ वन इज एनहांसमेंट, कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव रिफाइन गाइडलाइंस। अब आपने प्रोटोटाइप देखा, आपको लगा कि इसमें कुछ मैनिपुलेशंस करने की जरूरत है, तो बेसिकली हमारा मेन फोकस क्या होता है, कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव रिफाइन गाइडलाइंस। अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, ठीक है, तो डेफिनेटली अपने उस गाइडलाइंस में, अपने उस प्लान ऑफ एक्शंस में हमें चेंजेस करने चाहिए, ताकि हम अपने डिजाइन को, अपने प्रोटोटाइप को और भी अट्रैक्टिव बना सके, ठीक है, यानी हमें रिफाइनिंग के रिगार्डिंग गाइडलाइंस भी प्रिपेयर करनी चाहिए। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पिलर, गाइडलाइंस डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस, और इस फर्स्ट पिलर के रिगार्डिंग ये बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए। बेसिकली इन सभी पॉइंट्स का यही मतलब है कि जो भी हम डिजाइनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं उस डिजाइनिंग के लिए हमें प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर करना है प्रॉपरली, और उस प्लान ऑफ एक्शन को प्रिपेयर करते समय कुछ जनरल इश्यूज हैं, उन जनरल इश्यूज पे हमें फोकस करना है, ठीक है, और उस प्लान ऑफ एक्शन को प्रिपेयर करते समय हमें एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, एग्जम्पशन एंड एनहांसमेंट, इन सभी चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। सेकेंड पिलर है हमारा यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर टूल। सॉफ्टवेयर टूल का मतलब ये नहीं कि उस इंटरफेस को इसी टूल पे हम बनाएंगे ना, सॉफ्टवेयर टूल का मतलब ये है, देखिए यहाँ साफ साफ रेड कलर में मैंने मेंशन कर रखा है, डोंट कंफ्यूज सच टूल विद जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल लाइक इक्लिप्स आईडीई। ये जो टूल की हम बात कर रहे हैं सेकेंड पिलर में, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले टूल्स नहीं है, ये प्रोटोटाइप बनाने वाले टूल्स हैं। जैसे कि ये कह रहा है, हेल्प टू प्रोवाइड द यूजर एंड डेवलपर विद अ रियलिस्टिक इंप्रेशन ऑफ हाउ द फाइनल प्रोडक्ट में लुक लाइक फंक्शन, प्रोटोटाइप फॉर अ मेनू सिस्टम। जैसे मेनू सिस्टम के लिए अगर कोई प्रोटोटाइप बनाने के लिए कहे तो आप उसका एक प्रोटोटाइप बना के दिखा दीजिए कि हम जो मेनू बनाएंगे उसमें ये ऑप्शन होंगे, ठीक है, और उस बेसिकली उन ऑप्शन का क्या क्या मतलब है, उन किस ऑप्शन के लिए कौन सी शॉर्ट कीज है, ये आप प्रोटोटाइप में सारी चीजें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। सच प्रोटोटाइप्स आर नेचुरली लिमिटेड, एग्जांपल माइक्रोमीडिया डायरेक्टर, फ्लैश, विजुअल बेसिक, जे बिल्डर्स,
बेसिकली यहाँ पे जो सेकंड पिलर है, इस सेकंड पिलर में हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी डिजाइनिंग के रिगार्डिंग एक प्रोटोटाइप बना रहे हैं, और उस प्रोटोटाइप को बनाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर टूल्स चाहिए। वो जो सॉफ्टवेयर टूल्स है हमारा डिजाइनिंग को एक प्रोटोटाइप के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, या यू कहें ये जो गाइडलाइंस हमने बनाया है, इस गाइडलाइंस को एक प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक टूल्स चाहिए, सॉफ्टवेयर टूल्स चाहिए। उसी सॉफ्टवेयर टूल को हम यहाँ सेकेंड पिलर कह रहे हैं। पहला पिलर क्या था हमारा, प्लान ऑफ एक्शन, यानी हमारे माइंड में जो भी चीजें हैं उनको हम एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब उस डॉक्यूमेंटेड फॉर्म को प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एक सॉफ्टवेयर टूल होना चाहिए। वो सॉफ्टवेयर टूल हमारा सेकेंड पिलर कहलाएगा। थर्ड पिलर हमारा एक्सपर्ट रिव्यू एंड यूजिबिलिटी, नेसेसरी इन ऑर्डर टू इंश्योर यूजिबिलिटी एंड हाई क्वालिटी यूआई, एग्जांपल अर्ली पायलट टेस्टिंग, एक्सपर्ट रिव्यू, टेस्ट विद इंडेंडेंट यूजर, सर्वे एंड ऑटोमेटेड एनालिसिस टूल्स। लाइक अगर आपको एक्सपर्ट रिव्यू लेना है या यूजिबिलिटी टेस्ट करनी है, तो आप अर्ली पायलट टेस्टिंग कर लिए, मतलब इंडिविजुअल हर कंपोनेंट की अलग अलग टेस्टिंग कर लीजिए, या एक्सपर्ट रिव्यू ले लीजिए उस फील्ड से रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट है, जो भी यूजर है, आप उनसे एक्सपर्ट रिव्यू लीजिए कि देखिए जो आप इंटरफेस आप यूज करते हो उससे मिलते जुलता है, कि इंटरफेस मैंने ही बनाया है, आप इसको यूज करके बताइए आपको इंटरफेस कैसा लग रहा है, क्या कमियां है इसमें। टेस्ट विद इंटेंडेड यूजर, सर्वे एंड ऑटोमेटेड एनालिसिस टूल्स। अगेन व्हाट प्रोसीजर टू चूज एंड हाउ दे शुड बी शेप्ड इंडिविजुअली ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। बेसिकली ये एक्सपर्ट रिव्यू है, ये एक्सपर्ट रिव्यू बेसिकली हम रिफाइनमेंट के लिए करते हैं, ताकि हम अपने उस डिजाइनिंग के प्रोटोटाइप को या फिर अपनी गाइडलाइंस को और रिफाइन कर सके, ताकि आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन हमारा जो डिजाइन है वो एक्सेप्टेबल हो यूजर के द्वारा और वो 100% इफिशियंट हो। तो ये 3 पिलर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे समस्या एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो ये बेसिकली 3 पिलर्स हैं। इस तीनों पिलर्स पे देखिए जो डिजाइनिंग का एक स्लैब है वो कौन सा स्लैब है, सक्सेसफुल यूजर इंटरफेस। यानी अगर हम किसी इंटरफेस की डिजाइनिंग इन 3 पिलर्स पे करते हैं, कौन कौन से पिलर्स, गाइडलाइंस एंड प्रोसेस, यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर टूल्स, एक्सपर्ट रिव्यू एंड यूजिबिलिटी टेस्टिंग। यानी अगर हम अपने इंटरफेस की डिजाइनिंग इन तीनों पिलर्स के ऊपर करते हैं, तो आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन जो इंटरफेस बनेगा वो इंटरफेस कैसा होगा, सक्सेसफुल यूजर इंटरफेस। मतलब हम जो इंटरफेस बनाएंगे वो इंटरफेस 100% एक्सेप्टेबल होगा यूजर के द्वारा, उसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम या कोई मिस्टेक्स होने के चांसेस नहीं है। तो जो पहला पिलर है वो कौन सा रोल ऑफ एक्शन परफॉर्म कर रहा है, थ्योरी एंड मॉडल का, एक थ्योरी प्रिपेयर कर रहा है, ताकि जिस थ्योरी के बिहाफ पे आप ये फाइंड आउट कर पाए कि ये मॉडल होगा कैसा। सेकंड क्या है, प्रोटोटाइप का, इसमें हम बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, इसी थ्योरी एंड मॉडल को एक डिजाइन के फॉर्म में, प्रोटोटाइप के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इस प्रोटोटाइप को देख करके हम थर्ड पिलर के थ्रू क्या कर रहे हैं, कंट्रोल एक्सपीरियंस। मतलब प्रोटोटाइप को देखने के बाद हो सकता है हमें ऐसा लगे कि यार ये ऑप्शन यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए, तो उसकी रिगार्डिंग हम उसको रिफाइन करेंगे, चेंज करेंगे। तो वो जो चेंजेस हैं वो किस लिए हैं, कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमारा जो इंटरफेस है वो अट्रैक्टिव बन सके, ठीक है। तो जो थर्ड पिलर होता है बेसिकली उसका जो रोल ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है, कंट्रोल का, ठीक है। तो ये जो 3 पिलर्स हैं, थ्योरी, प्रोटोटाइप एंड कंट्रोल, इन्हीं तीनों पिलर्स पे हमारा इंटरफेस का डिजाइन टिका होता है, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी इंटरफेस की डिजाइनिंग करते हैं तो हमें इन 3 पिलर्स पे ही फोकस करना होता है, और SCI में हर एक डिजाइनिंग में हम इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। बेसिकली ये तीनों तीन इन तीनों पॉइंट्स का आसान शब्दों में अगर समझे तो ये मतलब है, पहले पिलर्स का मतलब है कि आप जो करने जा रहे हैं, ठीक है, उन सभी चीजों को एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। अब जो आप करने जा रहे हैं, मतलब क्या आप बेसिकली अपने इंटरफेस में क्या क्या चीजें चाहते हैं, आपने उसको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रख दिया। लेकिन जो चीजें आप जिन चीजों को आपने डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रखा है, उसी का एक 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 प्रोटोटाइप बनाइए, ताकि देखते ही हम ये समझ में आ जाए कि यूजर की रिक्वायरमेंट कैसी दिख रही है, उसका प्रोटोटाइप कैसा दिख, ठीक है। तो प्रोटोटाइप को देख के आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो जो मॉडल हमने सोचा है बनाने के लिए, क्या वो वैसा ही है जैसा यूजर चाहता है। अगर नहीं है तो ये नहीं है, अगर वो मॉडल वैसा, ये फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सपर्ट रिव्यू करते हैं और यूजिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। जैसे ही हमें ये लगता है,
कि वो मॉडल वैसा नहीं है, वो प्रोटोटाइप वैसा नहीं है, वो डिजाइन वैसा नहीं है जैसा यूजर चाहता है, हम क्या करते हैं उसको रिफाइन करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं। और बेसिकली थ्री पिलर्स ऑफ डिजाइन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एससीआई का, और ये हर साल सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और बेसिकली एससीआई की डिजाइनिंग इसी पिलर पे ही टिकी हुई है। थैंक यू।